कौन कह रहे हैं? बीजेपी। अरे वो बेचारा कुछ जानकारी कौन, वो बेचौल जी महिला कॉलेज पर हमसे मत पूछिएगा कभी। आप लोग महिला सम्मान का जो ढोल बजा रहे हैं, महिलाओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। ओ वो तो बृजभूषण शरण सिंह और मणिपुर तो उदाहरण है, राजनीति के सहवाला बना के रखे हुए हैं अभी तक के। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं किया आज तक? मणिपुर जाने में प्रधानमंत्री का कलेजा क्यों कांप रहा है? हंगामा करने वाले लोगों को केंद्र सरकार के सामने जुबान नहीं खुलता है भाई। केंद्र सरकार का भी दायित्व है आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने लगातार अनुरोध किया भाई। ये तो महिलाओं के इतने बड़े पक्षधर हैं कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति, और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उनको बुलाना मुनासिब नहीं समझते हैं। मोदी शाह से डरने के कौन बात है? नौकरी कर रहे हैं, मांग करना चाहिए कि भाई हमको केंद्र सरकार हिस्सेदारी दे, क्या परेशानी है उसमें? लेकिन केंद्र सरकार चूंकि समाज के वंचित तबके के लोग हैं तो उनके प्रति कहां इनके इनके कान में जू रेंगने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार का कोई विहित दायित्व तो है? अगर विहित दायित्व तो है तो क्या हिम्मत करिएगा? हिम्मत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये तो महिला के कितने बड़े पक्षधर हैं, ये तो बहुत सारी अनकही कहानियां भी लोग जानते हैं। हंगामा करने वाले लोगों को केंद्र सरकार के सामने जुबान नहीं खुलता है भाई। केंद्र सरकार का भी दायित्व है आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने लगातार अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार चूंकि समाज के वंचित तबके के लोग हैं तो उनके प्रति कहां इनके इनके कान में जू रेंगने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार का कोई विहित दायित्व है? अगर विहित दायित्व है तो क्या हिम्मत करिएगा? हिम्मत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मोदी शाह से डरने के कौन बात है? नौकरी कर रहे हैं, मांग करना चाहिए कि भाई हमको केंद्र सरकार हिस्सेदारी दे, क्या परेशानी है उसमें? आप लोग महिला सम्मान का जो ढोल बजा रहे हैं, महिलाओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। ओ वो तो बृजभूषण शरण सिंह और मणिपुर तो उदाहरण है, राजनीति के सहवाला बना के रखे हुए हैं अभी तक के। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं किया आज तक? मणिपुर जाने में प्रधानमंत्री का कलेजा क्यों कांप रहा है भाई? ये तो महिलाओं के इतने बड़े पक्षधर हैं कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति, और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उनको बुलाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये तो महिला के कितने बड़े पक्षधर हैं, ये तो बहुत सारी अनकही कहानियां भी लोग जानते हैं। सदन नहीं पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्दे के पीछे आ रहे हैं, कौन कह रहे हैं? बीजेपी के विधायक। अरे वो बेचारा कुछ जानकारी कौन, वो बेचौल जी महिला कॉलेज पर हमसे मत पूछिएगा कभी।